हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कुछ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज करने वाली हूँ मैं। इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए नहीं है, मेरे लिए है, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द ग्लो अप। आप जैसे मेरे शक्ल देख के आपको पता चल रहा है कि मैं कितना अनफ्रेश हो चुकी हूँ, तो मैं आज जा रही हूँ एनबी सैलून फिर से ग्लो अप लेने के लिए, बिकॉज आई एम प्लानिंग वेरी बिग। एज यू गाइस नो, शायद मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई थी, आई एम सॉरी अगर मैंने नहीं बताई तो बताएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ घर वाले लोग भी बैठे हुए हैं, मम्मी पी रही है कुकुनाट, यहाँ पे मम्मी पी रही है कुकुनाट, सब बैठे हुए हैं, माला अपने पैर उठा के बैठे हुए हैं, यहाँ प्लांट भी है हमारे साथ, यालिक है, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेट्स गो। चलो चलो चलो, बाय बाय। तो एनवी सैलून वालों ने मेरी 100K के कुसे में मुझे सरप्राइज दिया। वैसे सरप्राइज मेरे बॉयफ्रेंड को देना चाहिए, पर एनवी सैलून वालों ने दिया। आई सपत मैं पूरी पूरी अनअवेयर थी इसके लिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा एक्टिंग करती। वैसे आज मेरा सेल्फ पैम्पर डे है, एनवी सैलून वालों ने मुझे बुके देके मेरा पैम्पर डे में अपना योगदान दिया। कुछ दिनों से स्ट्रेसफुल वाली लाइफ जी रहे थे, उस वजह से मेरे डैंड्रफ बहुत हो गए, तो आज मैं डैंड्रफ ट्रीटमेंट ले रही हूँ यहाँ से। मेरे मोटा बुद्धि में मेडिसिन डालने के बाद मैं वॉश करने लगी। वैसे ये आपका व्यू है और मेरा व्यू है ये। वैसे ब्यूटीशियन ने मेरा सर 2 बार धोया मेडिसिन लगा के, प्लास्टिक लगा के रखा, फिर धोया, पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला की आपके सर से ह्यूमर्स हम कम नहीं कर पाएंगे, आप तो ह्यूमर्स के देवी हो, देवी। सो गाइस, फाइनली मेरे हेयर हो चुकी है सी, आई एम लविंग इट। अब बारी है मसाज की। एम आई लुकिंग क्यूट? नो, आई एम लुकिंग गॉर्जियस। एनीवेज गाइस, इतना सुंदर सा सजा के रखा हुआ, ब्यूटीफुल सा गोला दीदी, अब फूल के ऊपर लेटेंगे और मसाज करवाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव करवाएंगे। तो गाइस बता दूं, मैं ये सैलून में हमेशा क्यों आती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रांड कस्मारा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ, और मुझे यहाँ की मसाज बहुत अच्छा लगता है। चलो लेट्स गेट 10 मसाज। क्यों गोला दीदी बदल गए ना, जैसे तुम्हारे गिरगित फ्रेंड्स। एनीवेज गाइस, आज मैं फुल बॉडी मसाज करवाऊंगी एंड फेशियल मसाज, बिकॉज इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैवन डन एनी मसाज और स्पा। हेटर्स के साथ साथ अब मुझे भी लगता है कि मेरे मोटे बुद्धि में चर्बी बढ़ गए। फाइनली डन विद माय मसाज, फेस मसाज, बॉडी, फुल बॉडी मसाज। हाँ, बहुत रिलीफ फील हुआ था, मैं तो गोरे बेच के सो गई थी, सो गुड। सो गाइस, आज की मेरा सेल्फ पैम्पर डे का लास्ट स्टेप ये है, मैं अपने हाथ पैर को धुलवा रही हूँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पेडिक्योर एंड मैनिक्योर। होगा मतन ई आज गरम तुलूंगा नामपिंग को बरी रियात लंगा आना बरी नंगो मरे रियातला आला लक लतर गिंग लक्तर गिंग तला लर्स लसुकता हापन ला ई। सो गाइस, व्हाई सेल्फ पैम्पर डे? हम सभी लड़की को जरूरत है। हम कुछ बहनों को लगता है कि बॉयफ्रेंड ही हमें पैम्पर करेगा, हमारे हस्बैंड ही हमें पैम्पर करेगा, या हमारे पेरेंट्स ही हमें पैम्पर करेगा। नो ब्रदर, वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी माई sisters, where we are empowered, we are financially independent. उसके साथ साथ हमें headache, हमें stress भी बहुत होती है, इसीलिए एक pamper day is a must. आगे की ज्ञान थोड़ा सा रुकने देते, पहले बताती हूँ मैं तो यहाँ खाना भी enjoy कर रही हूँ। Wow, what a day! ज्ञान continue करने से पहले NB Salon के बारे में थोड़ा सा detail बताती हूँ, वरना मेरे sisters लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। NB Salon एक unisex salon है जिसको चलाते हैं 2 friends. मैं आप लोगों को NB Salon क्यों suggest करती हूँ, क्योंकि मुझे personally उनका काम बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ पे 2 साल होने को है। यहाँ के स्पेसेस मुझे काफी अच्छा लगता है, हर एक पार्टिकुलर के लिए अलग सा रूम्स है। ये है पेडिक्योर एंड मैनिक्योर का सेक्शन, जो चेयर देख रहे हैं वो है जादुई चेयर। जब तक आप पेडिक्योर मैनिक्योर कर रहे हैं तब तक आपको बैक मसाज देगा, और ये है स्पा सेक्शन, हेयर स्पा सेक्शन, जहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग पे आपके गोला दीदी हेयर ट्रीटमेंट ले रहे थे। वैसे जब ये सैलून न्यू खोला था तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पर तब ये वाला सेक्शन नहीं था, अभी रिसेंटली बना ये, बिकॉज दिस 2 smart women नोज वेरी वेल प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट टू अ गर्ल। और मेरी बहनों, जो आपके नन्हे 2 आंखें जिस
लबी डबी सा डेकोरेशन को देख रहे हैं, ये है स्पा सेक्शन। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, डेढ़ साल पहले भी मैंने ये कहा था और आज भी कह रही हूँ, मुझे ये सलोन की जो डेकोरेशन है मुझे काफी अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो छोटी छोटी चीजों को बहुत बहुत ज्यादा गौर से ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट लुक एट दिस स्टैचू, इजंट इट सो मीनिंगफुल एंड सो लवली। ये व्लॉग सिर्फ मेरे सेल्फ पैम्पर की व्लॉग नहीं है, ये व्लॉग के थ्रू से मैं अपने बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लव योर सेल्फ द वे यू आर, देयर शुड बी ए टाइम फॉर योर मी टाइम, बिकॉज कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, बस भगवान जानते हैं और भगवान के भरोसा सब चिंता छोड़ो। अब तुम बोलोगे कि पैसा कौन देगा, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ये लाइफ जी रहे हो, तुम बस ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान और भी आगे देंगे, उससे पहले बताऊंगी ये है टाइम मसाज का सेक्शन। मेरे दोस्तों आपको टाइम मसाज के लिए बैंकॉक नहीं जाना पड़ेगा जैसे फिल्मों में होता है, होगा यहाँ भी हूबहू। देखो गोला दीदी कितना अच्छा है, तुम्हारे बैंकॉक की भी टिकट का पैसा बचा दिया, थैंक यू बोल दो कमेंट सेक्शन में। अब आपको लेकर चलती हूँ मैं स्टीम शावर की ओर, यहाँ पे आपकी बॉडी को स्टीम करके आपकी सारा घंटगी निकाल देंगे। आप घर पे जैसे मोमो स्टीम करके सब्जी स्टीम करके खाते हैं, यहाँ पे आपको स्टीम किया जाएगा, पर यहाँ आपको कोई नहीं खाएगा। स्टीम शावर आपने उप्पा सरंगे वाले मूवी में बहुत देखा होगा, सीना तान के बेटी है मेरे दोस्तों। अब आपको मैं लेकर चलती हूँ रोने धोने का सेक्शन में, यहाँ पे हाँ जी यहाँ पे रोने धोने का ही काम चलता है, यहाँ पे बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत हर कोई अपने बालों की या जो भी प्रॉब्लम लेके ब्यूटीशियन के सामने में रोना करते हैं, और ब्यूटीशियन ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके यहाँ पे उनके दोना करते हैं। तो हुई ना ये रोना धोना सेक्शन, वाह वाह बोल दो एक बार कमेंट सेक्शन में गाइस। गोला दीदी का ह्यूमर्स को माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे, भगवान इसको और शुद्ध बुद्धि दे, ज्ञान सुन लो। ओके सो व्हाई वी नीड पैम्पर्ड है, वो सब छोरा पहले बताओ क्यों नहीं चाहिए हमें। एंड नाउ यू गोना से कि पैसा कौन देगा, अरे पैसा कब्र पे लेकर तोड़ी ना जाएगा ब्रदर। और हाँ अपने हस्बैंड को बोलो कि योर मनी इज माई मनी, माई मनी इज माई मनी। हस्बैंड का पैसा से जाओ खुद को पैम्पर करो, इफ योर हस्बैंड इज नॉट पैम्परिंग यू, क्योंकि हस्बैंड का मनी इज योर मनी, है कि नहीं। और हाँ आप अपना हस्बैंड को साथ देने के लिए कब तक उसका पैसा बचाते रहोगे, अपने आप के अपने आप पे खर्च नहीं करोगे, बच्चा और रिलेटिव्स और अपना फैमिली के लिए अपने हस्बैंड के लिए कितना पैसा को बचत करते रहोगे, अपना हस्बैंड का पैसा कितना बचाओगे। फिर कोई और लड़की आपके हस्बैंड के पैसा को बोल रहे योर मनी इज माई मनी, बताओ। दैट इज वाई वी नीड अ पैम्पर डे, क्योंकि हम जब तक खुद को प्यार नहीं करेंगे हमें कोई कभी प्यार नहीं कर सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ये हमारा बॉडी है एंड आई एम नॉट लविंग माई सेल्फ, तो हम दूसरा से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमसे वो उतना प्यार करेंगे। मोस्ट ऑफ अस ये गलती करते हैं कि मेरे पार्टनर या मेरे जो भी है मुझे ऐसे प्यार करो जैसे मैं चाहती हूँ, वो मुझे ऐसे करके देगा वैसे करके देगा। नो ब्रदर, ऐसा कोई नहीं करेगा, स्पेशली आज के लाइफ में हमें हमें समाज के साथ में चलना चाहिए। इफ यू आर नॉट हर्टिंग समवन एल्स, लिव द लाइफ यू वांट। चार लोग क्या कहेंगे, वो सारे चोरों, मुझे पता है कुछ लोग देख के अब बहुत जल रहे होंगे, तुम बोलेगे कि पैसा ऐसे उड़ाता है वैसे उड़ाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पैसा उड़ाऊँ, मैं तत्ती करके उसमें अपना पैसा को फेंक दूँ, मैं अपने पैसे को जलाऊँ, मेरी मर्जी, बिकॉज आई ऑन इट, आई फ्रिकिंग वर्क फॉर इट, मैं क्यों खर्च नहीं करूंगी। और तुम क्यों जल रहे हो मेरे ब्रदर, अपने लाइफ को इतना यूजलेस मत बनाओ प्लीज। मुझे पता है बहुत लोग मेरे से ना इतना जलते हैं कि वो मतलब फेक आईडी बना बना के कमेंट्स करते हैं, देखो उसमें आपकी टाइम वेस्ट हो रही है, इससे अच्छा है कि आप मुझसे कुछ सीखो और मेरे से बेटर करो। तो मेरे ब्रदर्स के लिए ये एक मैसेज भी था ये ब्लॉग, बिकॉज मैं बींग इन अरुणाचली मुझे एटमोसफेयर में क्या चल रही है बहुत चीजें मेरी इसमें है, तो वो मैं धीरे धीरे यू नो आप लोगों के साथ में बात करूंगी खुल के। मुझे लगता है कि इस मुद्दे में हमें बात करनी चाहिए, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। आई नो लोग मुझे चपरी मानते हैं, बट वो क्या है, कुदिया में पान तुकवा के सूखे तंगे लेके मार्केट पे करके घूमते हैं और मुझे चपरी बोलते हैं। ब्रदर लुक एट योरसेल्फ एंड लुक एट मी, एटलीस्ट मैं एक दो इंसान को अच्छे वे पे इन्फ्लुएंस तो कर पा रही हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट आर अरुणाचली पीपल ऑल्सो फ्रॉम नाउ ऑन। आपको मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ कि योर गोला इज शिफ्टिंग समवेयर, तो डेली व्लॉग्स आएगी, आप देखोगे क्या डेली व्लॉग्स, मुझे बस बताओ कि आप मेरे डेली व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी डेली व्लॉग बनाऊँ, पर नहीं बना पाती हूँ। देखो ना ऐसा है ना कि आप लोग बोलते हो कि डेली व्लॉग बनाऊँ, ठीक है,
तो मैं फैमिली वाले व्लॉग भी बनाती हूँ। कुछ लोगों को फिर प्रॉब्लम है, तुम इसके घर पे रहते हो, तुम उसके घर पे, तुम ये खाते हो, तुम वो खाते हो। तो इसीलिए फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब शिफ्ट कर रही हूँ कहीं और, आउट ऑफ अरुणाचल ऑफ कोर्स शिफ्ट कर रही हूँ। तो मुझे बताओ कि आप लोग मेरा डेली व्लॉग देखना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। आई एम श्योर मुझे जो प्यार करते हैं तुम जरूर पसंद करोगे जी। मैं आजकल ज़्यादा मजाकिया हो रही हूँ, तो प्लीज़ माफ़ करें, माफ़। देखो ना, मैं बिलीव करती हूँ कि दुनिया में दुख देने वाला बहुत है, क्यों ना मैं लोगों को हंसाऊँ, है ना। वो बात अलग है कि मेरी शक्ल फनी नहीं है, आई एम क्यूट, आई नो दैट, भगवान ने मुझे फुर्सत में बनाई है। ये भी ओवर एक्टिंग हो गया मुझे लग रहा है। एनीवेज चलो बाय, ठीक है। आप मुझे सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बात करूँगी। अभी रात हो गए काफ़ी और बहुत थक चुकी हूँ, बहुत काम करना पड़ता है सारा। धीरे धीरे मैं डिस्कस करूँगी, जो लोग इस फील्ड में आना चाहता है वो भी मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे क्या जानना चाहता है और क्या नॉलेज लेना चाहता है। मैं हमेशा यहाँ चाय चाय पै पै करते रहूँगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। हमेशा कुछ भी चीज़ें ना एक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एनीवेज चलो बाय। और हाँ, पैम्पर करो खुद को, पैम्पर। अगर आपको पार्लर जाने का मन भी नहीं कर रहा ना, घर पे करो पैम्पर, स्किन केयर करो। लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो क्या हुआ, स्किन तो अच्छी होनी चाहिए। है माई आजिंग तुलू, चलो चुमा सुमा जी खाते, बाय।